वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था कि गुडविल निकालने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ों को निकालने की आवश्यकता होगी, जिसमें हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो निकालना सीखा था। और फिर हमने सीखा था नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। इन दोनों का डिफरेंस शो करता है सुपर प्रॉफिट, जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है। अब हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में किन किन मेथड से गुडविल को निकाल सकते हैं। इसमें पहली विधि का नाम है ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। वास्तविक औसत लाभ एवं अधिलाभों की गणना करने के पश्चात ख्याति के मूल्यांकन में निम्नलिखित विधियों में से ये हमारी पहली मुख्य विधि है, वर्षों की क्रय विधि। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को दे देगा। यानी मान के चलते हैं कि जितना भी हम भविष्य में प्रॉफिट कमाएंगे या जितना भी हम सुपर प्रॉफिट कमाएंगे, उसका कुछ पर्टिकुलर ईयर्स, जो हमारा 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 4 ईयर्स जो भी हम फिक्स करते हैं आपसी समझौते से, उतने ईयर्स के आधार पर वो गुडविल की राशि का भुगतान करेगा विक्रेता को। इस विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु सबसे पहले यह निर्धारित किया करना होता है कि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस मानेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए या फिर हम सुपर प्रॉफिट को बेस मानेंगे, तथा यह भी निर्धारण करना होता है कि कितने वर्षों के आधार पर, कितने वर्षों की क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य तय किया जाएगा। निकालने से पहले हम पहले डिसाइड करेंगे कि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस मानेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए या फिर हम सुपर प्रॉफिट को बेस मानेंगे, और कितने वर्षों के, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितने भी, कितने वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य तय किया जाएगा। यह निर्धारण करने के बाद हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, जिसकी इस विधि में 2 तरह से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है वास्तविक औसत लाभ की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यदि हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस माना है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी वास्तविक औसत लाभ का भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ मल्टीप्लाइड बाय वर्षों की संख्या। यानी फर्स्ट विधि में यदि हम निकालते हैं तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जितना हमने तय किया है कि इतने परचेज के बेस पर हमको गुडविल निकालनी है। तो ये तरीका होगा हमारा गुडविल निकालने का, यदि हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस माना है। यदि हमने सुपर प्रॉफिट को बेस माना है तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हम यदि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस मानने के लिए कहा गया है तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाल लेंगे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल, और यदि हमें सुपर प्रॉफिट को बेस मानने के लिए कहा गया है तो हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तुम्हारी निकल जाएगी गुडविल। सुपर प्रॉफिट आपको ध्यान नहीं है, हमने पिछले वीडियोज में देखा था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का। इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते थे जो भी हमारी असेट्स हैं उसकी हम ले लेंगे मार्केट प्राइस, ये रिलाइजेबल वैल्यू, माइनस
आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को हम लेस कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से हम माइनस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 से हमारी निकल जाएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में हमको जो सूचना दे रखी है 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स जितने भी ईयर्स के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं वो हम ले लेंगे। उन प्रॉफिट्स में से कोई भी रिलेटेड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं तो हमको वापस ऐड कर देना है, एबनॉर्मल इनकम है तो हमको उसमें से लेस कर देनी है। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज, ये भी प्रॉफिट हमारा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में है तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज, यदि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। इस एवरेज में से हम लेस कर देंगे फेयर रेमुनरेशन ऑफ ऑनर, इसमें से लेस कर देंगे हम फ्यूचर एक्सपेंसेस, इसमें हम ऐड कर देंगे फ्यूचर इनकम तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट निकालते समय यदि किसी ईयर के प्रॉफिट में या एवरेज में यदि कोई असेट्स की वैल्यू में करंट असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें उसे प्रॉफिट में जोड़ के दिखाना है, यदि डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें इसको लेस करके दिखाना है। इसी तरह से यदि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें लेस करना है और करंट लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो हमको उसको ऐड करके दिखाना है रिलेटेड प्रॉफिट के अंदर। इसी तरह से यदि हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से, यदि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट के अंदर ऐड करके दिखाएंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारी प्लांट एंड मशीनरी पर मशीनरी एंड मोटर व्हीकल इस पर है हमारी रेट 15%, बिल्डिंग पर हो जाएगी रेट हमारी 10% और फर्नीचर पे भी हमारी रेट हो जाएगी 10% यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। वैल्यू यदि इंक्रीज़ हो रही है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना है, यदि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जितना भी डेप्रिसिएशन हमारी सेविंग्स होगी वो हमको प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट में जोड़ के दिखानी है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि हमें फर्स्ट विधि से गुडविल कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, कृष्णा एक फुटकर व्यापार चलाता है, 31 मार्च 2020 को उसने अपनी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लाइबिलिटीज़ में दो ही आइटम है हमारे कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, असेट्स में दे रखा है हमको कैश इन हैंड स्टॉक डेटर्स फर्नीचर एंड मशीनरी, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको 1 अप्रैल 2020 से राम उसके व्यवसाय को क्रय करना चाहता है, ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के क्रय के आधार पर करना है। तो यहाँ पे हमें बेस माना गया है, हमें सुपर प्रॉफिट को बेस मानते हुए गुडविल निकालनी है और ईयर्स ऑफ परचेज हमने यहाँ पे जो तय किया है वो तय किया है हमने 3 ईयर्स 3 वर्ष हमने तय किया है ईयर्स परचेज और बेस हमने लिया है सुपर प्रॉफिट को। औसत विनियोजित पूंजी पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमको यहाँ दे रखी है 8% एनुअल, यह तय हुआ कि देनदारों पर 5% की दर से बैड डेट्स प्रोविजन आपको बनाना है फ्यूचर में, तो हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें 5% डेप्रिसिएशन बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड डेट्स के लिए। फर्नीचर का मूल्य हमारा भविष्य में ये 8,000 रुपये है, जो अभी पुस्तक में दे रखा है 10,000, तो 2,000 रुपये से हमारा फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। मशीनरी बुक्स में दे रखी है 50,000 जो इंक्रीज़ होकर एक्चुअल में हो गई है हमारी 60,000, यहाँ पे वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको लेस करके दिखाना है और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का सेविंग्स हमको प्रॉफिट में जोड़ के दिखानी है एवरेज प्रॉफिट में। स्टॉक का मूल्य बुक्स में दे रखा है हमें 30,000 जो इंक्रीज़ होकर हो गया 40,000, तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा करंट ईयर के प्रॉफिट में हम इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स 10,000 रुपीज़ ऐड करके दिखाएंगे। 4 ईयर्स के हमें यहाँ प्रॉफिट दे रखे हैं 2016-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20, यह मानते हुए कि जो मालिक का ओनर का जो फेयर रेमुनरेशन है वो हमारा 12,000 रुपीज़ पर एनम होगा। डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे दे रखी है, फर्नीचर पे 10% है और मशीनरी पर 15% है। हमें टैक्स का ध्यान नहीं रखना है और गुडविल की राशि हमको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड से।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड है हमारा, इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी इसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले हम 4 ईयर्स के प्रॉफिट ले लेंगे। तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमें यहाँ पर दे रखे हैं 2016-17 के दे रखे हैं हमें ₹30,000, 2017-18 के दे रखे हैं हमें 25,000, 2018-19 के दे रखे हैं हमको 35,000 और 2019-20 के दे रखे हैं हमें 40,000। इसमें किसी भी ईयर में किसी भी एबनॉर्मल आइटम के एडजस्टमेंट के लिए आपको नहीं कह रखा है, सिर्फ ये कह रखा है कि 1920 जो करंट ईयर है वहाँ पे हमारी स्टॉक की वैल्यू जो बुक्स में 30,000 थी इंक्रीज होके 40,000, इसकी मार्केट वैल्यू 40,000 है, तो 10,000 रुपीज़ चूँकि हमारी करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो 2019-20 के प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे 10,000 इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। तो एडजस्टमेंट सिर्फ हमारे 1920 में है तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 13,000, देन 25,000, 35,000 एंड 50,000। क्योंकि प्रॉफिट हमारा फ्लक्चुएटिंग ट्रेड में है तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 35,000। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस और फ्यूचर इनकम का। तो सबसे पहले हम लेस कर देंगे फेयर रेमुनरेशन पेबल टू ऑनर, जो हमने तय किया था यहाँ पे 12,000 पर एनम। इसके अलावा 5% हमको बनाना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है हमारे यहाँ पर 50,000 के, और एक हमको एडजस्टमेंट करना है डेप्रिशिएशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले फेयर रेमुनरेशन हम लेस कर देंगे ₹12,000। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है हमारा 5% ऑफ 50,000, ये हो जाएगा हमारा 2,500। और थर्ड हो जाएगा हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट सॉल्व कर रही हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन का। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ये हम निकाल लेंगे। दो तरह के असेट्स थी हमारी, एक फर्नीचर, एक थी हमारी मशीनरी। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो थी हमारी 10,000, मशीनरी की बुक वैल्यू थी हमारी 50,000। इनकी जो रीवैल्यूड वैल्यू है रीवैल्यूड वैल्यू फर्नीचर की है 8,000,
एंड प्लांट की है 60,000। डिफरेंस निकालेंगे, इसमें डिफरेंस आ रहा है हमारा 2,000 से डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। देन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, फर्नीचर की है 10%, प्लांट मशीनरी की है 15%। तो डेप्रिशिएशन हमारा आ जाएगा इस पर -200 और इस पे आ जाएगा +1,500, यानी 1,500 से हमारा डेप्रिशिएशन इंक्रीज हो रहा है और 2,000 से हमारे डेप्रिशिएशन में सेविंग है। तो नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारा ₹1,300, ये हमारा प्लस में आ रहा है, मतलब इतना अपना एडिशनल डेप्रिशिएशन है। नेट एडिशनल डेप्रिशिएशन है हमारा 1,300 का, इसको भी हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो तीन चीज़ लेस होंगी हमारी, फिर रेमुनरेशन टू पेएबल टू ओनर 12,000, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,500, एडिशनल डेप्रिशिएशन का जो नेट वैल्यू हमारी वो आ रही है 1,300, तीनों को हम लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15,800। लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा लेस करने के बाद 19,200। ये निकल गई है हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसे हम नेक्स्ट निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए हम सारी असेट्स ले लेंगे उनकी रिवैल्यूड वैल्यू पर और उसमें से लेस कर देंगे लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर असेट्स से हमारी कैश इन हैंड 20,000 का आ जाएगा, स्टॉक इंक्रीज होकर 40,000 का हो गया है, डेटर्स 50,000 का है जिसमें से हमें 50,000 दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है हमें यहाँ पे 10,000 जो डिक्रीज होकर 8,000 रह गया है, मशीनरी हमारी 50,000 की है जो बढ़ के हमारी 60,000 की हो गई है, लायबिलिटीज़ में हमें दे रखा है सिर्फ क्रेडिटर्स है जो है हमारा 40,000 का। तो हमारे यहाँ पे असेट्स में आ जाएंगी, सबसे पहले हम असेट्स ले लेंगे सारी। असेट्स में आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, ₹20,000, देन स्टॉक जो इंक्रीज हो गया हमारा 40,000 का, डेटर्स जो है हमारे अभी 50,000 के, फर्नीचर जो है हमारा यहाँ पर 8,000 एंड मशीनरी 60,000, ये टोटल आ जाएगा हमारा 1,78,000। इसमें से लेस कर देंगे हम लायबिलिटीज़ हमारी एक ही है यहाँ पे क्रेडिटर्स की जो है हमारी 25,000, 40,000 ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1,38,000। एवरेज निकालने के लिए इसमें से हम लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट था हमारा यहाँ पर 40,000 जिसमें 10,000 एडजस्टमेंट था, करंट ईयर प्रॉफिट है यहाँ पर हमारा 50,000। तो हम लेस कर देंगे इसमें हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट जो है हमारा 50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। इसको लेस कर देंगे तो जो चीज़ निकलेगी वो कहलाएगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,13,000।
ये आ गई हमारी सेकंड आइटम। थर्ड हाउस पर निकालेंगे इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट, नहीं अभी हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी यहाँ पे 1,13,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी हमारी 8%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ₹9,040। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट था हमारा ₹19,200 का, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा ₹9,040 का, तो ये आ जाएगा हमारा ₹10,160। ये निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। लास्ट में हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर करना है हमको ईयर्स परचेज मेथड से करना है, सो क्वेश्चन सॉल्व वो भी सुपर प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेस हमने सुपर प्रॉफिट लिया है तो हम यहाँ पे ले लेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा ₹10,160, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ईयर्स हमने बेस माना था, तो गुडविल हो जाएगी हमारी ₹30,480। ये हो जाएगा हमारा आंसर वैल्यू ऑफ गुडविल का। तो ये तरीका है हमें फर्स्ट मेथड ई एस परचेज मेथड से गुडविल निकालने का। एक बार पूरा मैं वापस से आपको ब्रीफ कर देती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले इस मेथड में हम देखेंगे हमने कितने ईयर्स को बेस माना है गुडविल निकालने के लिए, और हम किसको बेस मानेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को। इस एग्जांपल में जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बेस माना हुआ था, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम है उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे और उनका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज में से हम फ्यूचर एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, फ्यूचर इनकम को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें दी एडिशनल डेप्रिसिएशन, यदि असेट्स में कोई भी वैल्यूज़ में चेंजेस है फिक्स असेट्स में तो उसका डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट हमको फ्यूचर के एक्सपेंसेस में करना है। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए हम सारी असेट्स की जितनी भी असेट्स हैं उनकी अपन ले लेंगे रिवैल्यूड वैल्यू, उसमें से हम लेस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो निकल जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को हमने बेस माना तो हम सुपर प्रॉफिट ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो हमारी अमाउंट निकल जाएगी गुडविल की।
ये तरीका है फर्स्ट विधि से गुडविल सॉल्व करने का। आज के लिए